कोरोना संकट को लेकर हो रही लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल बांका के डीएम सुहर्ष भगत के साथ योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मंत्री रामनारायण मंडल जिलाधिकारी सुहर्ष भगत के साथ स्थानीय परिसदन में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जो फिलहाल कोरोना संकट के लिए घोषित हैं उसकी समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने कोरोना संक्रमण को लेकर जिले की स्थिति, खाद्यान्न उज्ज्वला योजना सहित मजदूरों के खाते में पैसे आने की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री ने एक से दो दिनों के अंदर लाभुकों को सस्ते और मुफ्त में मिलने वाले अनाज की बात कही। वहीं 48,000 उज्ज्वला योजना और लाखों जनधन के खाते में करोड़ों रुपए लाभुकों के खाते में भेजे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और किसी को कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने कहा कि कोरोना संकट को लेकर सरकार के निर्देशानुसार सारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च के बाद बांका जिले में विदेशों से आए 18 लोगों का पुनः कोरोना जांच करने के साथ ही होम और पंचायतों में रखे क्वारंटीन सेंटर में सभी लोगों की बारीकी से फिर से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के बीच बांटे जाने वाले अनाज का उठाव हो चुका है, दो दिनों के अंदर लाभुकों को देने की बात कही। अनाज मिलना है उसके बारे में हमने बात की, वो दो दिनों में वर्ष दिन में ये अनाज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ का कीमत 2 रुपया, कुछ का कीमत 3 रुपया, कुछ फ्री मिलना, चावल है, दाल है, इस प्रकार का, और पर्याप्त लोगों को यहाँ चावल दाल उसकी कोई कमी नहीं है, वो सब कुछ दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 48,000 परिवार के खातों में ये 830 रुपया 14 किलो वाली 2 रुपया प्राप्त हो चुका है। ये जनधन योजना के तहत सभी खातों में पर्याप्त पैसा हो गया है। लोगों को सरकार से निर्देश मिला है, हमारे यहाँ कुल 18 लोग ऐसे थे जो विदेशों से आए थे, आज उनका दूसरा सैंपल लिया जाना है। वैसे सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इन्हीं पे कोई लक्षण अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे आज सबका सैंपल लेके 18 लोगों का हम लोग उसको पटना भेजेंगे जांच के लिए। और बाकी जो होम क्वारंटाइन में थे उनकी भी लगातार जो है पंचायत स्तर पर कर्मियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे कॉल सेंटर यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उन तीनों माध्यमों से उनसे लगातार बात की जा रही है। कोई जो भी सिम्टम्स, किसी भी तरीके कोई सिम्टम लक्षण दिख रहा है तो उस पर हम लोग उसकी विशेष जांच क्वारंटाइन में लेके कर रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे के नेतृत्व में बांका सिविल कोर्ट के तमाम जजों ने व्यक्तिगत सहयोग से जमुआ पंचायत के खेदू रायडी गांव में अनाज की किल्लत से भूखे रह रहे 50 परिवारों को एक एक पैकेट सूखा अनाज के तौर पर चावल का वितरण किया। इससे पहले सभी जजों एवं कोर्ट के अन्य अधिकारियों ने आपस में राशि एकत्रित कर बाजार से अनाज खरीदा। इसके बाद खेदू रायडी और इसी से सटे बाबूडी में भी जरूरतमंदों के बीच सूखा अनाज बांटा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने बताया कि सूचना मिली थी कि खेदू रायडी गांव के लोग अनाज के अभाव में भूखे रह रहे हैं। सूचना मिलते ही बांका सिविल कोर्ट के सभी ऑफिसर्स के सौजन्य से व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से इस गांव के 50 परिवारों के बीच एक एक पैकेट चावल का वितरण किया। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया कि इस विपदा की घड़ी में आगे जरूरत पड़ेगी तो और सहायता प्रदान की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोगों को इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों की व्यक्तिगत प्रयास से सहायता दी जा रही है, कोई सरकारी सहायता नहीं है, ये हमारे सिविल कोर्ट के ऑफिसर के सौजन्य से बांटा जा रहा है। हमको पता चला कि इस गांव में बड़ी गरीबी है, लोग रोज कमाने वाले रोज खाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ के अन्न का वितरण बहुत जरूरी है, तो 50 घरों में हमने एक एक पैकेट चावल दिया है और आगे भी हमको जहाँ सूचना मिलेगी कि लोग खाने के लिए परेशान हैं, उनकी आवश्यकता है अन्न की, वहाँ भी आगे हम लोग बांटेंगे। लॉकडाउन को नहीं मानने वाले अब सावधान हो जाइए, पुलिस पूरे अलर्ट मोड में आ चुकी है। लॉकडाउन नहीं मानने वालों की अब खैर नहीं है। निर्धारित समय में बाजार एवं दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अपनाना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर बेवजह बाजार की सैर करने वाले एवं अनावश्यक भीड़ का हिस्सा बनने वालों की भरपूर सेवा के लिए पुलिस सड़क पर उचित साधन के साथ घूमने लगी है। फुल्ली डूमर में पुलिस के बदले रुख का साफ असर दिखा, जब सुनी सड़क और आवश्यक दुकानें छोड़ सभी दुकानों की बंदी थी। फुल्ली डूमर थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली सैप एवं पुलिस के जवानों के साथ
खुद सक्रिय थे। इसका असर सिर्फ फुल्ली डूमर बाजार ही नहीं बल्कि थाना क्षेत्र के डोमो कुमारपुर मुख्य सड़क तेलिया मोड़ समेत फुल्ली डूमर भोरा मोड़ तेलिया मोड़ से नगरडी मोड़ फुल्ली डूमर से सलैया भीतिया बाजार सड़कों पर भी दिखा। हालांकि फुल्ली डूमर बाजार में साइकिल से जाती दो लड़कियों को लॉकडाउन कोरोना एवं इसको लेकर घर में बंद रहने की हानि लाभ से वाकिफ भी कराया। मोहम्मद अली के समझाने के बाद लड़कियों ने फिर कभी अनावश्यक रूप से बाजार नहीं आने का विश्वास दिलाया। वहीं खेसर थानाध्यक्ष अनिल कुमार शाह एवं सहायक थानाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद भी अपने दल बल के साथ लॉकडाउन के सही मायने समझाने के लिए सड़क पर उतर गए थे। निर्धारित समय से अधिक देर तक बाजार में घूमने वाले युवकों को अच्छा से सबक दिया गया, उसका असर साफ साफ बाजार में दिखने लगा है। खेसर थाना अध्यक्ष द्वारा माइकिंग कर लॉकडाउन में हर हाल में घर में बंद रहने, लॉकडाउन को मानने की सलाह दी गई, नहीं मानने वालों के साथ पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी ऐसी चेतावनी भी दी गई। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में अधिकतर शहरों में क्षेत्र के लोग फंसे हैं। कई लोग पैदल तो कई लोग अन्य साधनों से अपने क्षेत्र पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार के दिन बांका जिला के धुरैया थाना क्षेत्र के पैर पंचायत के सादपुर गांव निवासी शिकारी दास व हरिलाल पटना से साइकिल चलाते हुए अमरपुर बस स्टैंड चौक पहुंचे, जहां शाम होने के कारण बस स्टैंड चौक पर मौजूद जहां थानाध्यक्ष कुमार सन्नी से अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए रात में ठहरने के लिए उचित स्थान की मांग की। पिता पुत्र की दास्तान सुनकर थानाध्यक्ष ने मानवता का परिचय देते हुए पिता पुत्र को चाय नाश्ता कराते हुए रात बिताने के लिए प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित रैन बसेरा में भेजते हुए खाने की भी व्यवस्था कराई। मौके पर शिकारी दास ने बताया कि लॉकडाउन के एक दिन पूर्व भी पिता पुत्र पटना आए थे, जहां भवन निर्माण में मजदूरी करने लगे। लॉकडाउन लगते ही दूसरे दिन काम बंद हो गया। लॉकडाउन समाप्त होने के इंतजार में वह पटना में ही रुक गए, लेकिन वहां खाने का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। तब गुरुवार को अपने मित्र का साइकिल लेकर दोनों वहां से निकले। गुरुवार को मोकामा में रुके, वहीं गांव के लोगों ने खाने के लिए खाना दिया था। क्या नाम है? शिकारी दास। कहां से आ रहे हो? पटना से आ रहे सर्दी घास से। कब चले हो वहां से? कल 9 बजे दिन में चले सर। रात में विश्राम कहां किए? मोकामा में सर। जाना कहां है तुमको? जाना है हमको धोरैया थाना पैर पंचायत बांका जिला। रजौन थाना क्षेत्र के धौनी बामदे पंचायत अंतर्गत कुरुमचक गांव के समीप छोटी बसंत राय तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक बरौनी गांव के सतीश यादव का 21 वर्षीय पुत्र डब्लू यादव था। उक्त युवक प्रतिदिन की भांति शुक्रवार को भैंस चराने गया था। भैंस को स्नान कराने के क्रम में ही तालाब के गहरे पानी में फिसल कर डूब गया। मृत युवक के साथ साथ एक और बालक गिरधारी यादव का पुत्र सतीश कुमार भी भैंस चरा रहा था। तालाब में डूबने की आशंका से उसने इसकी सूचना गांव पहुंचकर स्वजनों एवं ग्रामीणों को दी। आनंद फानंद में पहुंचे स्वजन एवं बरौनी वासियों ने भी सभी जगह खोजबीन की, लेकिन डूबने वाला युवक नहीं मिला। अंत में तालाब में घुसकर फिर अच्छी तरह से तलाशी ली गई तो तालाब के अंदर से उक्त युवक निकाला गया। तब तक युवक इस दुनिया से चल बसा था। डब्लू यादव के निधन से स्वजनों पर दुख का कहर टूट पड़ा है। माँ उमा देवी, पिता सतीश यादव, भाई सिंटू और मिल्टन का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। घटना से बरौनी गांव में मातम पसरा है। घटना की जानकारी मिलने के कुछ समय बाद रजौन पुलिस पहुंची। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे हैं, जिसको लेकर लिखित दिया गया है।